अब आपने सुन लिया कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, सोते जागते उठते बैठते जब मौका लगे तब सीताराम 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 हम करें, यह एक मार्ग हो गया। और आपने कहीं सुन लिया कि भगवान का नाम कैसे जपें, तुलसीदास जी ने कहा भाए कुभाए अनख आलसू नाम जपत मंगल दिशि दसो। आपका मन लगे न लगे आप भजन में लगे रहो। अच्छा देखो महापुरुषों ने कहा कि आग है, आग में आप मंत्र बोलकर आहुति देते हैं और अग्नि उस आहुति को अपना रूप बनाती है, जलाती है। पूरी एकाग्रता से मंत्र से आप स्वाहा स्वाहा करते हैं तो अग्नि उस वस्तु को जलाती है। अच्छा मान लो आपका मन न लगे, मंत्र भी याद ना हो, धोखे से आपका गमछा आग में गिर जाए तो आग जलाएगी कि नहीं? आग यह तो नहीं कहेगी कि तुमने मंत्र नहीं जपा, तुमने एकाग्रता से नहीं डाला, तुमने स्वाहा स्वाहा नहीं कहा, तुम नहा के नहीं बैठे। अग्नि यह सब नहीं कहेगी। अरे अग्नि का तो स्वभाव है जलाना। इसी तरह अग्नि जब आपसे एकाग्रता की आशा नहीं रखती तो भगवान का नाम भी आपसे एकाग्रता की आशा नहीं रखता। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुराने घास। इसलिए आप तो बिना कुछ परवाह किए जप करते रहो, भजन करते रहो। अब यह आपका एक मार्ग हो गया, ठीक है, अपनी निष्ठा में दृढ़ रहो। अब आपने सुन लिया क्या कबीरदास जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चौं दिशि फिरे यह तो सुमिरन नाही। हाथ में माला फिरे, जीभ मुख में फिरती रहे, मन चारों तरफ घूमता रहे, ये कोई सुमिरन है? ये कोई जप है? अब आप माथा पकड़ के बैठ गए, अब अपने पर भी गिलानी हुई, रख दी माला, भजन की विधि सीखेंगे, कोई विधि अलग है इसकी। अब अपना छूट गया, दूसरा मिला नहीं, तब तक किसी ने कह दिया राम 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 करने से क्या कल्याण हो गया? क्या शक्कर शक्कर बोलने से मुख मीठा हो जाएगा? शक्कर खाने से मुख मीठा होगा, शक्कर शक्कर बोलने से नहीं होगा। राम नाम कुछ अलग मरम है, ये राम राम कहने से कुछ नहीं होगा। अब जितने ये कुतर्क आपको घेरते हैं और आप अपनी निष्ठा से डिग जाते हैं, ये सारे आप ऐसे समझे कि दुनिया भर के कुतर्क हमारी निष्ठा की परीक्षा करने के लिए हैं कि हमारी निष्ठा दृढ़ है कि नहीं। इसलिए कभी भी, अच्छा उनको गलत भी मत कहो। अब कबीर बाबा गलत नहीं कह रहे हैं, पर वो भाव की भक्ति की दृष्टि से नहीं बोल रहे, वो विचार की दृष्टि से बोल रहे हैं। और तुलसीदास जी भाव की दृष्टि से बोल रहे हैं, तो विचार की नाव भी आपको पार ले जाएगी और भाव की नाव भी आपको पार ले जाएगी। लेकिन पहले यह निश्चय करो कि आप भाव की नाव में बैठे हो कि विचार की नाव में, और भाव की नाव में बैठे हो तो विचार की नाव का खंडन मत करो और न उससे प्रभावित हो, आप तो अपनी मस्ती में चले जाओ। इसका नाम भक्ति का मार्ग है। ये भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। अरे जीवन बीता जा रहा है, हम निर्णय ही नहीं कर पा रहे, निश्चय ही नहीं कर पा रहे। क्या निर्णय करना, क्या निश्चय करना, बस सोते जागते उठते बैठते भगवान हम आपकी शरण में हैं, आपका नाम ले रहे हैं, कुसंग का परहेज कर रहे हैं, बस। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, हो ये राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। राम जी की शरण में रहकर राम जी का नाम लेना और कुसंग का परित्याग करना, बस।
यह एक मार्ग हो गया, इसी मार्ग के आधार पर हमें चलना चाहिए। या इसी तरह के जो मार्ग हैं, कोई एक मार्ग भक्ति पक्ष हठ पर नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। आप सवेरे जाग गए, बड़ी अच्छी बात है, पर जो नहीं जागे, एक आदमी सवेरे सवेरे जाग गया, उसके एक मित्र थे जो रोज सवेरे जागकर भगवान का भजन करते थे। उस मित्र ने कहा कि भैया हमको भी जगा लिया करो। उसने कहा अच्छा जगा ले। दूसरे दिन वो जागा और उसने उसे भी जगाया, और वो पहले वाला आदमी जागकर भगवान का नाम लेने लगा, और ये जो दूसरा वाला था ये जागा। अब इसने इधर उधर देखा, कई लोग सो रहे थे, अब इसने शुरू किया, कैसे पापी लोग हैं, अब तक सो रहे हैं, जगे नहीं है, इन्हें क्या मनुष्य जीवन जीने का फल मिला, ये तो सो रहे हैं, पापी हैं, नरक जाएंगे, इनकी तो जिंदगी खराब हो गई, इनका ये। तो पहले वाले ने कहा कि हमसे गलती हो गई जो हमने तुम्हें जगा दिया। अरे तो तुम जागे इसलिए थे कि इन सोते हुओं को देखो और इनको गाली दो, इनका विरोध करो। अरे तुम तो जागे थे भगवान का भजन करने के लिए, इसीलिए भैया तुम्हें जीवन मिला है भगवान का भजन करने के लिए, दुनिया भर की बुराइयां देखने के लिए जीवन नहीं मिला। उनका अपना ढंग होगा, आप तो अपने, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। भगवान ने इतने सुंदर वचन कहे, सुनत सुधा सम, सुनत सुधा, सुधा सम वचन राम के, सुनत सुधा वचन राम के, सुनत सुधा सबन गहे पद कृपा धाम के, सबन पद कृपा धाम के, सुनत सुधा राम के, सुनत सुनत सुधा, सुनत सुधा, सुनत सुधा। इस तरह भगवान अवधवासियों से सत्संग करते हैं। सभी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और यह कहा कि प्रभु ऐसी शिक्षा आपके बिना और कोई नहीं दे सकता, अस सिख तुम बिन दे न को, आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। ऐसे भगवान श्री राम स्वधर्म का पालन करते हैं और पूरी प्रजा से कराते हैं। भगवान राम का नित्य का नियम वेद पुराण सुन ही मन लाई, ये बाल्यकाल में, और अब वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, सुन ही राम यद्यपि सब जानही, सब जानते हैं फिर भी वेद पुराण गुरुदेव वशिष्ठ वर्णन करते हैं, श्री राम जी सुनते हैं। एक बड़े उच्च कोटि के संत जा रहे थे, उनके साथ उनका शिष्य था। रास्ते में पीपल वृक्ष पड़ा, उन्होंने पीपल की परिक्रमा की, पीपल को प्रणाम किया, हाथ जोड़े सिर झुकाया। शिष्य बोला, महाराज आप तो इतने उच्च कोटि के, इतने बड़े महात्मा हो, आपको भी ये पीपल को परिक्रमा करना और प्रणाम करना जरूरी है क्या? महात्मा बोले, ये हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों? कहा अगर हम नहीं करेंगे तो तुम तो करोगे ही नहीं। गतानुगति को लोका, एक दूसरे की नकल करते हैं लोग। आप ये देखो, जैसे एक आदमी गया
तो उन लोगों को ऐसे अभ्यास हो जाता है जल में तैरने का कि वैसे पड़े रहते हैं जैसे कोई पलंग पर सो रहा हो। अब एक आदमी ने देखा कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, बहुत आराम है। अब उसकी नकल करके कोई दूसरा भी आराम करने जाए तो पूरा ही आराम मिल जाएगा कि नहीं? वो कुछ नहीं करते दिखाई दे रहा है, ये बहुत दिन करने का फल है। तो ऐसी नकल नहीं करना चाहिए। पर एक आदमी गया और पानी में उसने सोचा ऐसे हम भी लेट गया तो डुबकी लगी, और डुबकी लगी तो बड़ी तेजी से निकल कर भागा। तैरना जो सिखा रहा था उसने कहा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। उसने कहा अब हम पांव पानी में रख ही नहीं सकते, और भागा। तो तैराने वाले ने कहा फिर तैरना कैसे सीखोगे? तो कहने लगा कि जब हम तैरना सीख लेंगे तब तालाब में पांव रखेंगे, उसके पहले तो रख ही नहीं सकते। अब बोलो तालाब में पांव ही नहीं रखेगा तो तैरना कैसे सीखेगा? तो कभी कभी ऐसे लोगों के लिए भी महापुरुषों को वैसा ही आचरण करना पड़ता है ताकि वो हमारे आचरण से प्रेरणा लेकर वैसा ही करें। हम तिलक लगाएं तो वो भी तिलक लगाए, हम जप करें तो वो भी जप करें, हम आसन से बैठें तो वो भी बैठे। भगवान श्री राम ऐसा ही करते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई पर सुनहि राम यद्यपि सब जानई। सब जानने के बाद भी राम जी सुनते हैं क्योंकि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। शास्त्र कितना भी चिंतनीय हो, चिंतन किया जा चुका हो तो भी बार बार देखना चाहिए। यह भगवान श्री राम की दिव्य दिनचर्या। वेद पुराण वशिष्ठ बकानी सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। एक दिन की बात, भगवान श्री राम अपने भवन में थे। तुलसीदास जी लिखते हैं वशिष्ठ मुनि महाराज का आगमन हुआ। कहां? जहां राम सुख धाम सुहाई। राम जी सुख के धाम हैं। यहां राम सुख धाम सुहाए। और ये राम जी का सुख धाम नाम वशिष्ठ जी नहीं रखा, सो सुख धाम राम अस नामा। सुख धाम नाम से आरंभ और उत्तरकांड में विश्राम, जहां राम सुख धाम सुहाए। तो राम जी सुख के धाम है, इसका अर्थ है, मैंने कहा भी था, घर घर में बिजली होती है लेकिन हर एक घर बिजली घर नहीं होता। बिजली घर के कारण घर घर में बिजली, इसी तरह धाम धाम में सुख है पर सब सुख के धाम नहीं है, बल्कि सुख धाम के कारण धाम धाम में सुख है। गुरु वशिष्ठ जी सोचते हैं सीकरते त्रैलोक सुपासी, जिसके बिंदु से सब सुखी हो रहे हैं उस सुख सिंधु का दर्शन करें। श्री वशिष्ठ जी आए, राम जी ने प्रणाम किया, चरण धोए, गुरु जी बैठे रहे। राम जी ने चरणों में प्रणाम किया, तिलक किया, आरती उतारी, हाथ जोड़े, आशीर्वाद भी गुरु जी ने दिया। पर गुरु जी ने कहा कि राम ये सब हो चुका, हां गुरुदेव हो गया, अब अंदर कमरे में आओ। राम जी अंदर गए, गुरु जी ने कहा किवाड़ बंद करो। किवाड़ बंद हो गए। आसन वहां था, गुरु जी ने कहा कि राम तुम बैठ जाओ। राम जी ने कहा कि गुरुदेव मैं आपके सामने बैठूं? वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो ये स्टेज का प्रोग्राम नहीं है,
ये मंच का कार्यक्रम नहीं है, ये तो पर्दे के पीछे का दृश्य है। ये पुरोहिती का कर्म मैं स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि उपरोहित कर्म अति मंदा वेद पुराण सुमृति कर निंदा। बड़ा घोर कर्म है ये पौरोहित्य कर्म। अच्छा क्यों है? एक बार एक पंडित जी बैठे थे, परिवार भर ने पंडित जी को प्रणाम किया, चरण छुए। एक बेटा बैठा था, सो बुढ़िया आई, सो बुढ़िया ने 100-100 के 5 नोट निकाले, 500, और जो लड़का बैठा था उसके सिर पर ऐसे ऐसे किया, ऐसे सिर पर 5-7 बार ऐसे ऐसे किया, और बोले ले पंडित जी। पंडित जी ने ले तो लिए, पर ये पूछा कि मैया ये ऐसे ऐसे क्या कर रही थी, ऐसे 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 ये 5 बार ऐसे करके तूने हमें दिए, इसका क्या मतलब? बुढ़िया बोली महाराज इसका ये मतलब है कि इस लड़के की अलाय बलाय संकट पाप ताप सब तुम्हारी जुम्मे। बोलो कितना कठिन कर्म, सब स्वीकार करो। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से एक भक्त ने पूछा, बाबा आपको यह रोग हुआ है, आप इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, गले का कैंसर है, बोलते नहीं बनता, पानी निगलते नहीं बनता, इतनी पीड़ा हमसे नहीं देखी जाती है, ये आप जैसे महात्मा में कोई दोष नहीं है, फिर ये रोग क्यों हुआ? कोई पाप नहीं, फिर ये क्यों हुआ? पाप का फल रोग है। श्री परमहंस जी ने मुस्कुराकर कहा कि देखो ये तुम सब लोगों की वजह से हुआ। कैसे? कहा कि तुम सब आके महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, ये चरणों में बार बार प्रणाम हम कहते रहे, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो इधर से जो खुश रहो तो उधर चला गया, पर जो उधर का दुख है उसे भोगेगा कौन? इसलिए मैं अपना ही नहीं तुम्हारा भी भोग रहा हूं। इसीलिए तो हमारे यहाँ पुरोहित की बड़ी महिमा है कि वो दूसरे का कर्म स्वयं स्वीकार करके भजन के द्वारा अपना मिटाए और उसका मिटाए। इसीलिए बंदों प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा, ये पुरोहित कर्म बहुत कठिन कर्म है, बहुत। बस इसी जी कहते हैं ये पौरोहित्य कर्म में स्वीकार नहीं कर रहा था, वेद पुराण स्मृति सब इसकी निंदा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा जब ना ले तब कहे विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। तुम जिस कुल की पुरोहिती स्वीकार कर रहे हो उसी कुल में सच्चिदानंद भगवान श्री राम प्रकट होंगे, भगवान मिलेंगे तुम्हें। तो मैंने यह स्वीकार कर लिया, भगवान मिले तो यह मार्ग बड़ा अच्छा है। मैं प्रतीक्षा करता रहा, अनेक राजाओं का पुरोहित बना रहा, धीरे धीरे महाराज दशरथ का भी पुरोहित रहा, और एक समय आया तब सच्चिदानंद भगवान प्रकट हुए। और आपके प्रकट होते ही मेरा मन आनंद से भर गया, क्योंकि चार चार पुत्रों का जन्म,
चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा प्रगटे ललनवा भवनवा बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा चार चार पुत्रों का जन्म हुआ और ऐसे लगा कि भगवान ही चार रूपों में आ गए और इतने सुंदर सुंदर। दुई सुत नील मणि छवि छीनत दुई सुत कंचन बरनवा भवनवा बाजे बजनवा। चार पुत्रों का दर्शन करने बड़े बड़े लोग आए और सबने बड़े भक्ति भाव से प्रेम से दर्शन किया। पर मेरी विडंबना यह कि मैं जानता रहा कि तुम भगवान हो, मुझे समझ में आ गया कि तुम सच्चिदानंद प्रभु हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे कुल का पूज्य था, पुरोहित था, इसलिए मुझे वही सब करना पड़ा। मैं तुम्हारा गुरु बना तो और सब तो तुम्हारा दर्शन करते रहे, भक्ति करते रहे, आनंद लूटते रहे, लेकिन मैं तो पहले से पुरोहित था तो तुम्हारा भी गुरुजी बनना पड़ा और तुमसे चरण धुलाए, चरण छुलाए और जीवन भर पूजा कराता रहा। अच्छा एक बात बताओ श्री राम, क्या मैं नहीं जानता था कि तुम भगवान हो? पर यह जानने के बाद मेरा साहस तो देखो कि भगवान से पूजा कराता रहा, भगवान से प्रणाम कराता रहा। तुम्हें पता है जब तुम्हारा विवाह होकर आया मुझसे महाराज दशरथ ने कहा कि कुछ मांग लो, यज्ञ सब तुम्हारा ही है पर पुरोहित हो तो कुछ मांग लो। मैंने नेक मांग लिया पर क्या मांगा किसी को पता नहीं लगा। तुलसीदास जी कहते हमको भी पता नहीं, नेक मांग मुनि नायक लीना, पर नेक में मांगा क्या यह पता नहीं। तुलसीदास जी बोले लेकिन जो इन्होंने नेक में मांगा होगा वह लेकर ये जाएंगे तो ये घर क्या लेकर जा रहे हैं हम देखेंगे। तो जब वशिष्ठ जी घर जाने लगे तो देखा क्या गया, उर धरि राम ही सीय समेता हरसि कीन्ह गुरु गवन निकेता। श्री सीताराम जी को हृदय में रखकर ले गए। तुलसीदास जी बोले बस यही नेक मांगा इन्होंने। ये दो चंद बसोर मेरे, ये दो चंद
श्री राम जी आपकी और श्री जानकी जी की मूर्ति मन में बसाए रहा, हृदय में ध्यान करता रहा, लेकिन आपकी लीला में भूमिका तो पुरोहित की मिली थी, इसीलिए पूजा कराता रहा, आप प्रणाम करते रहे, मैं आशीर्वाद देता रहा, तो क्या मेरे इस अभिनय की सराहना नहीं करोगे? राम जी ने कहा, गुरुदेव आपको प्रणाम है। गुरुजी बोले, प्रणाम तो तुम बाहर कर चुके, अब मैं कर रहा हूं तुम्हें प्रणाम। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। वे यही कहते हैं, हे राम, मैंने जीवन भर तुम्हारे गुरु का अभिनय किया है, तो इस अभिनय पर प्रसन्न होकर पुरस्कार में मुझे आप अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो, यही मैं चाहता हूं। आपकी लीला में अभिनय किया है आपके गुरुजी का, और इतना साहस, तो अब आप भी कृपा करके अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। कबहु घटे जनी नेह, आपके चरण कमलों में सदा प्रेम रहे। एक यह लीला हुई। अयोध्या में चारों तरफ आनंद ही आनंद, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। श्री सीता माता के वनगमन की कथा श्री तुलसीदास जी ने लिखी नहीं है। श्री रामचरितमानस का इस सत्य को स्वीकार नहीं करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरे का मत है तो खंडन भी नहीं किया है। दो दो पुत्रों का जन्म सभी भाइयों के यहां हुआ तो भाइयों का नाम है। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप बलशील धने रे। अजब, प्राय बेटे का परिचय पिता के नाम से दिया जाता है, ये उनके पुत्र हैं, ये उनके पुत्र हैं, ये उनके पुत्र हैं, तो भाइयों के यहां जन्म लेने वाले पुत्रों का परिचय पिता के नाम से। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, लेकिन श्री लव और श्री कुश के जन्म का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी राम जी के नाम का उल्लेख नहीं करते। दुई सुत सुंदर सीता जाए, श्री सीता जी ने दो पुत्रों को जन्म दिया, और इसका आशय यह है कि अगर बेटी माता पिता के घर हो और बेटी बेटों को जन्म दे, तो मायके वाले लोग पिता के नाम से बेटे का परिचय नहीं देते, बेटी के नाम से देते हैं कि उसके बेटे हैं। दुई सुत सुंदर सीता जाए, इस कथा को इस बहाने स्वीकार भी करते दिखाई देते हैं। और श्री सीता जी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में ऐसे नहीं जैसे पिता के घर बेटी का निवास होता है। पर तुलसीदास जी से विस्तार से पूछा गया कि आप
और चेष्टा करके कुछ बताओ। तो तुलसीदास जी बोले, लव कुश वेद पुराणन गाए। वेद और पुराणों में इनका वर्णन है, सो आप पढ़ लेना, मैं तो बस इतना ही कहूंगा, आगे कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि तुलसी यदि साहस कर पाते तो पूरी धरती लिख जाती। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हमारे राम जी और श्री जानकी जी श्री अवध में हैं, सिंहासनासीन हैं, वे हमारे राजा हैं, वे हमारी महारानी हैं और हम उनके हैं, और श्री अवध में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। लेकिन भैया एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, श्री सीता जी जब श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में थे तो नतक ग्रीवा मिलान मुखा कृष्णकाय वैदेही को विराजमान देखा वट वृक्ष के नीचे, तो कुछ ग्राम में ललनाओं ने उन्हें पहचानना चाहा। कुछ देवियों ने कहा कि यह तो श्री सीता जी हैं, अपने पति और देवर के साथ इसी मार्ग से वन में गई थी, तो क्या इस बेचारी का वनवास अब तक पूरा नहीं हुआ। श्री सीता जी ने अपनी कथा सुनाई तो एक देवी ने कहा, कैसे के याद करी दुनिया जब राम ही लोक की लीक मिटाई ले। श्री सीता जी ने कहा, उन्होंने राजा के धर्म का निर्वाह किया है, का राजस धर्म निभाई ले भले रचिको नहीं दंपति प्रेम निभाई ले। दाम्पत्य प्रेम का निर्वाह नहीं हुआ, संग रहे सुख में दुख में पति और पत्नी अस वेद बताई ले, तो गड़बड़ी कहां हुई। उन देवियों ने कहा कि ओ बन गई ले, वनवास राम जी का हुआ था, तुम्हारा नहीं, तुम उनके वनवास में शामिल हो गए। ओ बन गई ले तो तू बन गई लू, और तू बन आई लू वो काहे ना आई ले। उनके वनवास में आप तो सम्मिलित हो गई, आपके वनवास में वो क्यों नहीं सम्मिलित हुए। श्री सीता जी ने कान पर हाथ रख लिया, मैं कुछ नहीं सुन सकती। उन ग्राम में ललनाओं ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी फैसला करेंगे। वाल्मीकि जी महाराज के पास जब बात गई तो श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राम हो या रावण हो, बलि चाहे वामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे, जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जी की सिया जी की महिमा में, तृण के सम बहेंगे आगे आगे राम सदा पीछे पीछे सीए चली, अब आगे आगे सीए राम पीछे ही रहेंगे, राम सीता कोई ना कहेगो, सब सीता राम सीता राम सीता राम कहेंगे। लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, बाल किंतु चिंता की कृपा की ना कृपान की, राम जी गए थे बन एक बार जीवन में, किंतु बनवास गई दो दो बार जाने के। यह कथा यद्यपि रामचरितमानस में नहीं है पर लोक चर्चा का विषय है, इसमें मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं, वह यह कि आज तक लोग बिना सोचे समझे ये राम जी ने गलत किया, ये राम जी ने गलत किया, श्री राम ने ये गलत किया, सीता जी को निकाल दिया और ये ऐसे ऐसे। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, यह राम जी के अनन्य प्रेम का उदाहरण है। श्री सीता जी पर दोष लगाने वाले कुछ लोग भगवान श्री राम अग्नि परीक्षा ले चुके हैं, जानते हैं। राम जी ने सोचा कि अगर मैं कहूं कि नहीं है, किसी की परवाह नहीं करता, मैंने खुद देखा है, तो श्री सीता जी कभी निष्कलुष नहीं हो सकेंगे। लोग यही कहते रहेंगे, वो तो बड़े घरों की बात है, राजाओं की बात है, वो तो बात को वहीं दबा दिया, फिर हल्ले ही नहीं मचने दिया और चर्चा नहीं कर, और उनको डांट दिया और ऐसे कर दिया। तो श्री सीता जी जनमानस में समुज्वल पक्ष उनके चरित्र का नहीं रहेगा। तो राम जी ने सोचा एक काम करें, क्या ये कलंक चाहे मुझे लग जाए पर श्री सीता जी निष्कलुष हो जाएं।
और सीता जी का त्याग किया तो सारी दुनिया कहने लगी सीता जी परम पवित्र, राम जी की गलती, राम जी की गलती, राम जी की गलती। और राम जी ये सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि मुझे भले ही कलंक मिले पर श्री सीता जी की निर्दोषिता सर्वत्र साबित हो जाए। ये राम जी के प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। और यह प्रेम का उदाहरण यही नहीं, कई जगह आप देखेंगे। वन में गए तो श्री सीता जी थक गई, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरि भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा धरवय। राम जी ने देखा कि सीता जी श्रमित है तो राम जी ने लक्ष्मण का, लक्ष्मण तुम जल ले आओ। और राम जी बैठकर कांटा निकालने लगे। अब अपने चरण में कोई कांटा लगा हो तो देर तक थोड़े ही निकालेगा, कांटे को तो जितनी जल्दी निकाल लें उतनी पीड़ा कम होगी। पर श्री राम जी बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, बड़ी देर तक कांटा निकालते। क्यों? इसलिए कि कांटा जल्दी निकल जाएगा तो श्री सीता जी कहेंगे कि चलो, और कांटा जितनी देर तक नहीं निकलेगा उतनी देर तक श्री सीता जी को विश्राम मिल जाएगा। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिके, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। जहां प्रेम का ऐसा अद्भुत उदाहरण हो वहां क्या श्री राम जी के बारे में ऐसा कुछ सोचा भी जा सकता है? इसलिए श्री सीता राम जी कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिनही परम प्रिय खिन्न। ऐसा परम प्रेम परम स्नेह। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई, दूसरी कथाओं का विरोध नहीं। पर हमारे श्री सीताराम जी तो वन से आकर भवन में हैं, और जब से भवन में हैं तब से आज तक कनक भवन में हैं। भगवान यही है, यही है। प्रभु श्री सीताराम जी काटो कठिन कलेश, कनक भवन के द्वार पे पर्यो दीन राजे। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। संत जन दर्शन करके
सुजन मन हरसत देखत कली मल भाजे पड़े रो कनक भवन दरवाजे पड़े रो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रो अनुपम छवि छाजे पड़े रो कनक भवन दरवाजे पड़े रो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रो कनक भवन दरवाजे पड़े रो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रो कनक भवन दरवाजे पड़े रो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रो कनक भवन दरवाजे पड़े रो बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की सिंहासन सोहे युगल सरकार परस पर हंसी हेरत हर बार मधुर कछु बोल लेत मन मोल ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी पलोटत पाए अंजनी लाल निरख पद पंकज होत निहाल कहत रघुराय धन्य शिवकाय पवन सुत गिरिवर धारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की भरत जूठाणे भाव विभोर लखन रिपु दमन लाल कर जोर लखे मुख चंद लेत आनंद धन शोभा धनुधारी की दयामयी
कनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे, शरण राजेश द्रवे अवधेश, बोलिए जय भयहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की।